रायबरेली जिला के बिरला सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों का किया जा रहा है उत्पीड़न। महीने में 26 दिन की ड्यूटी की जगह 22 दिन ही दे रहे हैं काम। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने किया थाने का घेराव। अधिकारियों द्वारा सेफ्टी का अनुल्लंघन किया जा रहा है, वहीं मजदूरों पर सेफ्टी का दबाव बनाया जा रहा है। बिरला सीमेंट फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज अवनीश दुबे पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप। वहीं मजदूरों ने कहा कि सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे साथ करते हैं गाली गलौज। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा वहां के मजदूरों ने। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है, मैं एज ए मिलर काम करता हूं बिरला सीमेंट फैक्ट्री में। आज आप कहां पे आए हैं, क्या समस्या है? हम आए हैं मिल एरिया थाने में। हम इसलिए आए हैं कि हम लोगों के प्रति, तीन चार वर्करों के प्रति झूठी रिपोर्ट कराई गई थी, एप्लीकेशन दी गई थी थाने में, इस वजह से हम लोग आए हैं। क्या शिकायत थी? शिकायत यह थी कि ये लोग सेफ्टी और सुरक्षा की जो है ध्यान में नहीं रख के काम करते हैं, जो कि सरासर गलत है। वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, उसका एक बार जांच हो जाए तो सारा चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए इनका। हाँ, अवनीश दुबे सिक्योरिटी इंचार्ज ने वर्करों की माँ बहन की गाली देते हुए और धक्का मुक्की करते हुए उसके बाद वर्कर अपने आप से काबू से बाहर हो गए। तो उसकी शिकायत आपने पुलिस से करी? हाँ, उसकी शिकायत भी की गई है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं जो हमारा लखनऊ ट्रिब्यूनल में जो हमारा केस चल रहा है, इस प्रकरण में बिरला उच्च प्रबंधक चाहता है, बार बार धमकाता है, डराता है और कहता है कि जो है इस केस को वापस ले लो तो सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। वर्करों की 22 ड्यूटी देता है और आधे वर्करों को 26 ड्यूटी देता है, आपस में लड़ाई करवाता है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग यह चाहते हैं कि सबको 26 ड्यूटी दे और यथावत जो है कार्य चलता रहे शांतिपूर्वक, और अपना कोर्ट केस जो भी फैसला आएगा वो हमको मान्य है और हम कोई मान्य नहीं कर रहे हैं इनसे।